बे गुड इवनिंग गॉइस वर्ल इन दस सेलकम बैक टू अनदर लर्निंग वीडियो फ्रॉम ट्रेड लाइक बर्लिन एक और लर्निंग वीडियो में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है अगर इस मार्केट में आप सर्वाइव करना चाहते हैं इफ़ यू वॉन्ट टू सर्वाइव इन दिस मार्केट यू मस्ट वॉच दिस सेशन कम्प्लीटली ओके स्पेशली इफ यू आर एन ऑप्शन राइटर अगर आप एक ऑप्शन सेलर हो तो यू मस्ट वॉच दिस वीडियो कम्प्लीटली ओके बिकॉज आई डोंट थिंक कि इसके अलावा आपको कोई और चीज़ सेव कर सकती है ऐसे मार्केट में कैसे मार्केट में जो चीज़ें अभी हो रही हैं ना आई विल बी शोइंग यू ओके जो चीज़ें यहाँ पे हो रही हैं आई बिलीव ये चीज़ें आनी और है ओके okay. यहाँ पर एज एन सेलर कैसे बचना है एंड एज एन ऑप्शन बायर कैसे अपॉर्चुनिटीज फाइंड करनी है दैट आई विल बी डिस्कसिंग विथ यू ऑल ओके सो दिस विल बी अ डिफेंसिव वीडियो फॉर एन ऑप्शन सेलर कि कैसे बचना है एंड एक एग्रेसिव अप्रोच ऑप्शन बायर्स के लिए कि ऐसे मार्केट से पैसा निकालना कैसे ओके okay. जो चीज़ें मैं शेयर करूंगा वो कम्प्लीटली बेस्ड ऑन माई एक्सपीरियंसेस हैं ओके आपको कहीं नहीं मिलेंगी ओके okay. तो बिगिन करते हैं फर्स्ट आई विल बी शोइंग यू द चार्ट्स, देन आई विल बी शोइंग यू माई पी एंड ये चीज़ें आनी ही हैं आगे चल के ठीक है ये चीज़ें रुक नहीं सकती बिकॉज मार्केट्स आर गेटिंग टफर डे बाय डे डे बाय डे डे बाय डे सो या दीज थिंग्स आर ऑन वे और ऐसी चीज़ें आनी है ठीक है बिगिन करते हैं यार करेंटली वी आर लुकिंग एट द चार्ट निफ्टी फाइनेंस सर्विसेज ओके वी आर इन द फाइव मिनट टाइम फ्रेम अब पूरे दिन भर का सिनेरियो क्या था उसको छोड़ते हैं और दो बजे के बाद का सिनेरियो क्या था उस पर थोड़ा ध्यान देते हैं ठीक है अब ये है दो बजे के बाद का मार्केट सिनेरियो लुक एट दिस यहाँ पर जो मोमेंटम है ना ये एक ऑप्शन सेलर का जो अकाउंट है ना उसको टोटली totally ब्लो कर सकती है ठीक है एंड काफ़ी लोगों के हुए भी होंगे आज के मार्केट में एक बिगनर हो तो कहीं ना कहीं पे अच्छे खासे लॉसेस में ही आज बैठे होंगे बिकॉज कैन यू सी दिस मोमेंटम लुक एट दिस एक ये ओके एंड देन उसके बाद एक कंसोलिडेशन एंड दिस यहाँ पे मार्केट की कोई डायरेक्शन है नहीं ठीक है ना मार्केट नीचे है ना मार्केट ऊपर है मार्केट सेंटर में है ओके बट ये मार्केट सेंटर में कैसे हैं पहले जो डाउन साइड के राइटर थे ओके जितने भी जिन्होंने भी यहाँ पे पुट राइट किए होंगे पुट सेल किए होंगे मार्केट जस्ट इस वर्ड को मैं यूज़ नहीं करना चाहता आप समझ गए होंगे ओके अब ये जो मोमेंटम है ना यहाँ पर जितने भी पुट राइटर्स हैं वो पहले ब्लो हो गए होंगे ओके okay? उनमें से मैं भी एक था बट कहीं ना कहीं पे एक बड़े लॉस से बच गया वो कैसे बचा उस चीज़ को डिस्कस करेंगे ठीक है देन उसके बाद आई ये मूव ठीक है इस मूव में बचना थोड़ा मुश्किल था और कहीं ना कहीं कही पे वी एंडेड विथ अ गुड लॉस ओके नाउ लेट मी शो यू द पी एंडल पहले पी एंडल पर चलते हैं एंड देन उसके बाद इन स्पाइक्स को डिस्कस करते हैं ठीक है नाउ दिस इज द पी एंडल वी आर क्लोजिंग द डे विद लॉस ऑफ एटी सेवन थाउजेंड नाइन हंड्रेड एंड ट्वेंटी सेवन रुपी Okay. ये काफ़ी बड़ा लॉस होता अगर जो चीज़ें मैंने की थी वो अगर नहीं की होती तो Okay. So ऐसा क्यों होता उस चीज़ को समझना ज़रूरी बिकॉज ये लर्निंग्स आपको लेनी और माइंड में रखनी काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी ओके फर्स्ट okay? लुक एट दिस टू पोजिशन्स इन दो पोजिशन को देखो ट्वेंटी फोर थाउजेंड नाइन हंड्रेड का पुट एंड ट्वेंटी फ़ोर थाउजेंड नाइन फिफ्टी का पुट ओके सो ये दो पोजिशन को ध्यान में रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है बिकॉज पहले अपन डाउन साइड की पोजिशन को समझें देंगे कि क्या थी डाउन साइड की पोजिशन ओके नाउ वेन द मार्केट्स वेर ट्रेडिंग नीयर अराउंड ट्वेंटी फ़ोर थाउजेंड नाइन फिफ्टी स्ट्राइडल नाइन फिफ्टी के स्ट्रैडल के आसपास जब मार्केट ट्रेड कर रहा था तब क्या कंडीशन थी यहाँ की बात कर रहा हूँ मैं नाइन फिफ्टी के आसपास यहाँ की ओके दिस वॉज दिनारी दस नाइन 950 का स्ट्रैडल कॉल की जो वैल्यू थी वो कहीं ना कहीं पे पंद्रह रुपए थी पुट की जो वैल्यू थी वो सत्रह रुपए थी ये वैल्यूज थी उस समय ओके okay? देन उसके बाद जो ओ टी एम्स कॉल ओ टी एम पुट्स थे इससे पचास पॉइंट नीचे का पुट ठीक है इससे पचास पॉइंट नीचे के पुट की वैल्यू कहीं ना कहीं पर छः से सात रुपये चल रही थी छः रुपये चल रही थी ठीक है एंड जो कॉल था उसकी वैल्यू मेरे हिसाब से चार रुपये या तीन रुपये पचास पैसा के आसपास पैस पैस चल रही थी ठीक है अब अगर आप एक नए ऑप्शन सेलर हो तो आप क्या करोगे इन प्रीमियम्स को कम्प्लीटली ईट करने के लिए कम्प्लीटली खाने के लिए आप क्या करोगे कि इन हेजेस को बाई नहीं करोगे आप की कि जनरली क्या करोगे कि फार ओटीएम बाय करोगे फार ओटीएम बाय करने से आपके पास ये प्रीमियम बचेंगे ठीक है आप चाहोगे कि इन पूरे कंप्लीट प्रीमियम को मैं खा लूँ और इनसे बच जाऊँ ठीक है कैसे समझाता हूँ थोड़ा सा ठीक है लुक एट दिस कॉल और पुट का मिला के मान के चलो थर्टी टू रुपीज़ वैल्यू है कितना वैल्यू है थर्टी टू रुपीज़ वैल्यू है अब सात प्लस चार इन दोनों को अगर ऐड करोगे तो ग्यारह रुपये वैल्यू आती है ठीक है अब अगर आप थर्टी टू रुपीस को सेल कर रहे हो उसके अगेंस्ट में अगर ग्यारह रुपये बाई कर रहे हो तो कुल मिला के ये जो बन जाता है ये लगभग लगभग आ जाता है आपका बीस इक्कीस रुपये के आसपास ठीक है अब आप क्या सोचोगे एज अ न्यू ऑप्शन सेलर कि भाई मैं जब मार्केट साइड वे ही रहने वाला है तो मैं क्यों ना इस पूरे बत्तीस रुपये को खाऊं और इस ग्यारह रुपये के हेज की जगह मैं फार ओ टीएम बाई कर लूं एक एक रुपये के पुट एक एक, एक रुपये का पुट और एक रुपये का कॉल ठीक है दोनों कंबाइन करोगे कितना आएगा दो रुपये आएगा दो रुपये का आपने हेज बाई किया है और तीस रुपये का जो आपने पोजिशन है उसको सेल किया है ठीक है मतलब आपको तीस रुपये मिलने ही मिलने हैं ओके अब ऐसे में तो ठीक है आप एक दिन बच जाओगे दो दिन बच जाओगे तीन दिन बच जाओगे चार दिन बच जाओगे बट जो पाँचवा दिन है ना अब ये पाँच दिन में एक बार ये चीज़ होनी ही होनी ठीक है तो जो पाँचवा दिन है ना आपने चार दिन ये चीज़ कर ली जो पाँचवा दिन है ना वो आएगा और आपके चार दिन के प्रॉफिट्स भी लेके जाएगा इवन चार दिन के प्रॉफिट्स के साथ हो सकता है पिछले हफ्ते के दो या तीन दिन के प्रॉफिट भी ले जाए कैसे अब इस चीज़ को समझो ठीक है थोड़ा सा फोकस करना बिकॉज आई एम गोइंग टू शो यू द चार्ट्स 950 की पोजीशन है इस ऑप्शन को कितने रुपए पे शॉर्ट किया था 16-17 रुपए के आसपास शॉर्टेड थी ये पोजीशन, ठीक है अब इसका चार्ट देखते हैं पाँच मिनट का टाइम फ्रेम अब इस चीज़ को देखो आप कैसे बचोगे ऐसे कितने रुपए का ऑप्शन है ध्यान से दो ध्यान से देखो अभी तो इट्स इट्स जस्ट ट्रेलर ओके ये ट्रेलर है अभी जो बड़ी पिक्चर है वो बाकी है ठीक है यहाँ पे ऑप्शन शॉर्टेड थे ओके पंद्रह पंद्रह सोलह सोलह रुपए के ठीक है क्या वैल्यू चल रही है यहाँ पे पंद्रह रुपए चल रही है पंद्रह रुपए से इस ऑप्शन ने हाई क्या क्रिएट किया एक सौ बारह एक सौ तेरह रुपये का पंद्रह रुपये का ऑप्शन एक सौ तेरह रुपये चला गया ठीक है अब एज अ न्यू ऑप्शन सेलर आपके पास क्या है भाई एक एक रुपये के ऑप्शन है ठीक है एक एक रुपए के ओ टी एम आपने बाई कर रखे हैं ठीक है तो आप तो यहाँ पे किसी हालत में बच नहीं सकते नहीं बच पाएंगे बिकॉज आपको कहीं ना कहीं पे जो 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 एस एल्स ऐसी मोमेंटम उसमें एस बहुत जल्दी स्किप होते हैं ओके जो स्टॉप लॉसेस हैं वो बहुत ज़्यादा स्किप होते हैं जस्ट बिकॉज ये मोमेंटम फ्लैश से आती हैं एक सडन बाइंग होती है जो कि फ्लैश क्रिएट करती है और इस फ्लैश में जो एस हैं वो स्किप होते हैं ठीक है तो आप इस चीज़ को देखो आपके पास पहली चीज़ तो एक एक रुपए के हेजेस हैं तो एक, -एक रुपए का हेज जो एक रुपए का प्रीमियम है ठीक है वो इस मूव में कितना रुपए गया होगा मैक्स टू मैक्स सात से दस रुपए मैक्स टू मैक ओके जो डाउन साइड का मोमेंटम आया जो मार्केट नाइन फिफ्टी से एट फिफ्टी के आसपास गया ना ओके okay. उसमें क्या हुआ आपका जो एक रुपए का पुट था वो मैक्स टू मैक्स सात से आठ रुपये गया होगा ठीक है अब आपके पास क्या सिनारियो बनते हैं यहाँ पर जो आपने हेज बाई कर रखा था उसकी वैल्यू कितनी है सात से आठ रुपये की वैल्यू है ठीक है अब जो आपने पंद्रह और सोलह रुपए की पोजीशन शॉर्ट की थी उसकी वैल्यू कितनी है एक सौ दस रुपये ठीक है तो आप हड़बड़ा करके जैसी एक छोटी सी रिट्रेसमेंट आएगी इसको आप कब एग्जिट करोगे लगभग लगभग मान के चलो आपका एस एल स्किप है जो कि आज हुए होंगे बहुत सारे ओके मेरा भी एक एस एल था वो स्किप हुआ था तो एस एल स्किप होने के बाद मैं कैसे बचाऊँ वो मैं शो करूँगा ओके तो आप सबसे पहले क्या करोगे कि इस पोजीशन को स्क्वेयर ऑफ करोगे एक सौ दस रुपये का हाई इसने लगाया आप ट्राई करोगे कि इसको अस्सी रुपये या नब्बे रुपये के आसपास जैसे ही लॉस थोड़ा कम देखे आप निकल जाओ ठीक है अब आप निकल गए ओके एंड देन उसके बाद आपने हेच बी एग्ज़िट कर दिया अब एज ए न्यू ट्रेडर आपका जो लॉस है वो कितने पॉइंट का हुआ होगा आप समझ के चलो कि बीस रुपये इधर साठ सत्तर अस्सी रुपये के आसपास आपका एवरेज लॉस हुआ होगा ठीक है अस्सी रुपये के आसपास आपका एवरेज लॉस हुआ होगा ओके एटी रुपीज़ यू मस्ट हैव लॉस्ट, ओके एज न्यू न्यूट्रेटर बट अब ऐसी मोमेंटम्स और ऐसी जो मूव्स हैं वो काफ़ी ज़्यादा बार मैंने देखी हुई हैं ठीक है सो दैट्स द रीज़न आई वॉज हेज्ड विथ अ वेरी क्लोज प्रीमियम ओके अब वहाँ पे क्या कर रखा था मैंने कि जो सत्रह रुपये था ओके okay? वो तो मेरे को खाने ही थे उसके अगेंस्ट पे जो छः रुपये का प्रीमियम था वो मैंने बाय कर रखा था ठीक है मतलब मेरे को श्योर शॉट एक प्रॉफिट होने वाला था दस रुपये का वर्ष केस सिनेरियो पे जो मार्केट है वो अगर मेरे कितना भी अगेंस्ट चले जाता तो भी मैं ज़्यादा बड़ा लॉस नहीं करने वाला था एंड वही चीज़ हुई है पहले केस से तो मैं बच गया ये जो डाउन की मोमेंटम आई थी उससे तो मैं बच गया बट जो अपसाइड की मोमेंटम थी दैट स्पॉइल्ड एवरीथिंग ओके समझते हैं इस चीज़ को अब मैंने क्या कर रखा है यहाँ पर नाइन फिफ्टी का जो पुट है उसको सेल कर रखा है और जो नाइन हंड्रेड का पुट है उसको बाय कर रखा है ये पोजीशन सेल है और ये बाय है ठीक है अब अगर मार्केट नाइन फिफ्टी पे ही एक्सपायर हो जाता है तो वेल एंड गुड मैं यहाँ पे दस रुपये के आसपास बनाऊंगा ठीक है अगर मार्केट मेरे अगेंस्ट जाता है ठीक है तो मेरे पास यहाँ पर कहीं ना कहीं पर एक छोटा सा हैज है साइड रह के भी जाता है अगर मार्केट तो मेरे पास एक छोटा सा हेज है जो कि मेरे को कहीं ना कहीं पर मेरे अगेंस्ट अगर मार्केट जाता भी है तो भी चांसेस हैं कि मैं बच जाऊंगा ओके okay. अब क्या हुआ है लुक एट दस यहां क्या दिख रहा है आपको 1, 9, रुपीस के आसपास का लॉस है अगेंस्ट में क्या प्रॉफिट है एटी फाइव थाउजेंड का प्रॉफिट है ठीक है ये है पहली पोजिशन वन लाख नाइन थाउजेंड के लॉस में दूसरी पोजिशन है एटी फाइव थाउजेंड के प्रॉफिट में ऐसा क्यों हुआ जस्ट बिकॉज आई हैड द ये एक सौ रुपए तक गई बट आप ये भी तो देखो कि जो दूसरी पोजीशन थी जो मैंने अगेंस्ट में बाई कर रखी थी ठीक है ये पोजीशन। अब जो बाई वाली पोजीशन थी वो उसका हाई क्या था यहां पे? जो बाई वाली पोजीशन थी उसने हाई कितने का क्रिएट किया सत्तर रुपए का ठीक है ये सेवेंटी रुपी का हाई क्रिएट किया जो चीज कितने रुपए की थी सात रुपए की थी वो सत्तर रुपए की हो गई और जो पंद्रह सोलह रुपए की थी वो एक सौ दस रुपये की हो गई ठीक है अब मैं जनरली क्या करता हूँ ऐसी स्पाइस जब आती हैं तो मेरे को पता है कि कही कहीं ना कहीं पर ये इतनी हायर वैल्यू पे सस्टेन नहीं करेगी ठीक है इसके बाद रिट्रेसमेंट आना ही है तो सबसे पहले तो हेज को मैं एग्जिट करता हूँ ठीक है भले ही फिर मेरे को थोड़ा सा आ, मार्जिन का पेनल्टी लगे कोई दिक्कत नहीं बट मार्जिन के पेनल्टी लगने से बड़ा तो अगर मैं हेज ना करूँ तो लॉस हो जाएगा ठीक है मार्जिन पेनल्टी हज़ार दो हज़ार तीन हज़ार रुपये लगेगी बट आप यहाँ पे इस चीज़ को देखो कि ये जो सत्तर रुपये का हेज है ओके सत्तर रुपये के हेज को मैंने यहाँ पे निकाला वहाँ पे लॉस क्या था नियर अराउंड एक सौ दस रुपये के आसपास का प्रीमियम था सत्तर रुपये पे या साठ पैंसठ जो भी मैंने एवरेज पर निकाला होगा इसको इसको भी मैंने साठ रुपये के आसपास निकाला होगा एंड ये पोजिशन को मैंने नब्बे रुपये पे एग्जिट किया होगा ठीक है तो कुल मिलाकर जो लॉस है वो मिनिमाइज हो गया जो मैक्स लॉस हुआ है मेरे को इस पोजिशन पे जो मैक्स लॉस है वो कितना हुआ है वन लाख टेन थाउजेंड माइनस एटी फाइव थाउजेंड कर लो आपको पता चल जाएगा जो मैक्स लॉस है वो कितना हुआ है ठीक है अब समझते हैं कि जो मेजर लॉस है जो बड़ा लॉस है वो किस में हुआ है और क्यों हुआ है ठीक है अब इस मोमेंटम के बाद एक एक्सपेक्टेशन टोटली खत्म हो गई थी जो पहली लर्निंग है इस सेशन की वो आप ये नोट कर लो ठीक है वेट जो पहली लर्निंग है यू शुड नोट दिस यू शुड हैव क्लोज हैजेस एज़ इंश्योरेंस ओके okay. आपके पास क्लोज हैजेस्ट होने बहुत ज़रूरी है एज एन इंश्योरेंस आपको लगेगा कि ये मैं फालतू पे कर रहा हूँ ठीक है एक दिन ये फालतू जाएंगे दो दिन ये फालतू जाएंगे तीन दिन ये फालतू जाएंगे चार दिन ये फालतू जाएंगे बट ये, ये पाँचवें दिन में आपकी इतनी हेल्प करेंगे ना कि जितने भी इन दिनों के प्रॉफिट्स वाइप आउट होने वाले हैं ना ये पाँचवें दिन में सेव कर लेंगे एंड वहाँ पर आपका इंश्योरेंस यूज़ में आ गया बहुत टाइम्स में ऐसा भी होता है कि मैं आपको एक सिनारी याद दिलाता हूँ ठीक है ये सेंसेक्स के दिन की बात है ठीक है क्या हुआ था मार्केट सुबह का टाइम था दस बज के पंद्रह मिनट का टाइम था मार्केट एक अप ट्रेंड के बाद यहाँ पर कंसोलिडेट कर रहे थे ठीक है अब उसके बाद मार्केट में एक न्यूज़ आई थी आ, शायद बी एस सी या इंडियन मार्केट से रिलेटेड कुछ बहुत अच्छी न्यूज़ थी ठीक है तो न्यूज़ आई थी तो वहाँ पे क्या हुआ था कि मेरे पास कुछ पोजीशंस थी ठीक है कॉल साइड की पोजीशंस थी जो मैंने एज़ पर द मार्केट सेंटिमेंट्स और जैसा लास्ट डे का मार्केट था फॉलोइंग मार्केट था ठीक है तो मैंने राइस को सिर्फ शॉर्ट कर रखा था ठीक है बट जो न्यूज़ आई वो पॉजिटिव आई थी और उसके कारण एक बहुत बड़ी शॉर्ट कवरिंग आई ठीक है तो उसमें क्या हुआ था ना वो इतनी बड़ी मूव थी वो इतना बड़ा एक मूव आया था जहाँ पर ब्रोकर तक हैंग हो गए थे ठीक है स्पेशली जो जरूर था वो क्रैश हो चुका था ठीक है ब्रोकर जो थे वो टोटली क्रैश हो गए थे ओके एंड और जो ऑर्डर्स थे वो एग्जिट नहीं हो रहे थे ठीक है अब क्या हुआ था कि जैसे ही थोड़ा सा मार्केट कूल डाउन हुआ उसके बाद कुछ सिनारियज़ कुछ ऐसे थे मैं आपको बताता हूँ ठीक है यहाँ पर क्या सीन था कि एक फार ओ बोर्ड था और जो आ, एक कॉल था वो शॉर्ट था थोड़ा सा मैंने फार ओ को यहाँ पे बाई कर रखा था ठीक है थोड़ा सा फार हो गया था मैंने टेन परसेंट इन्श्योरेंस पे किया था मान के चलो कि मैंने सौ रुपये का अगर कॉल को सेल करके रखा है तो इसके अगेंस्ट में मैंने दस रुपये के कॉल को बाय करके रखा था सेंसेक्स में ये थोड़ा सा कम इंश्योरेंस होता है ओके तो ये जो सौ रुपये का था प्रीमियम ये कहाँ चला गया था हज़ार रुपये और ग्यारह सौ रुपये ठीक है और ये जो दस रुपये का प्रीमियम था ना ये मेरे हिसाब से इसका जो हाई था वो था तीन सौ रुपये इसका नेट वैल्यू था मेरे हिसाब से जो मैंने बाई किया था वो सोलह रुपये था ओके okay. एंड जो इसका हाई क्रिएट किया था मार्केट ने वो क्रिएट किया था तीन सौ रुपये पे ठीक है अब ये जब हुआ था मार्केट में तो लोग क्या कर रहे थे जस्ट दे वर जस्ट ऑप्शन सेल ऑप्शन राइटर्स लॉस्ट देयर फॉर्च्यून्स और लॉस्ट देयर कैपिटल ओके एंड वो पैनिक के कारण सब एग्जिट 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 कर रहे थे तो ब्रोकर पर बहुत ज़्यादा बड़ा एक प्रेशर बन गया था ठीक है तो ये प्रेशर बनने के बाद क्या हुआ कि सारे ब्रोकर लैग हो गए थे से स्पेशली जेरोदा बिकॉज जरोदा के बहुत ज्यादा यूजर्स हैं तो जेरोदा लैग हो गया था एंड इस दिन के कारण जब जरोदा लैग हुआ तो लोगों के ऑर्डर्स एग्जिट नहीं हो रहे थे बट फॉर्चुनेटली क्या हुआ कि जो बाय ऑर्डर्स थे वो मिल रहे थे ठीक है जो बाय ऑर्डर्स थे वो मिल रहे थे बट जो सेल ऑर्डर्स थे ठीक है वो नहीं मिल रहे थे मान के चलो कि कंडीशन uh, ऐसी आ चुकी थी मार्केट में कि आप और बहुत ज़्यादा बाय कर सकते हो बट आपकी करंट पोजीशन को आप सेल नहीं कर सकते हो कुछ ऐसी कंडीशंस आ गई थी ठीक है तो वहाँ पे जो लॉसेस थे वो इतने बड़े हो चुके थे जो ये आप सोचो ना इस कितनी बड़ी एक यहाँ पर मूव है कि ये जो सौ रुपये का प्रीमियम है वो कितना रुपये जा चुका है ये जो सौ का प्रीमियम ग्यारह सौ जा चुका है और ये प्रीमियम जो है वो तीन के आसपास आ चुका है ठीक है अब इस कंडीशन में क्या हुआ कि फॉर्चुनेटली आई गॉट एग्ज़िट फ्रॉम दिस हेज ये हेज से मेरे को एग्जिट मिल गया जस्ट बिकॉज पता था कि एक चीज़ तो होनी है कि मार्केट हल्का तो कूल cool ऑफ हो गई ठीक है तो ये तीन सौ रुपये पर निकल गया था मैं ठीक है तीन सौ रुपये पर निकलने के बाद जो ये ग्यारह सौ रुपये का प्रीमियम था वो वापस से छः सौ और सात सौ रुपये आ गया था ठीक है छः सौ सात सौ रुपये के आसपास जब आ गया था तब सबके ऑर्डर्स नॉर्मल होने लगे थे धीरे धीरे जरूर ऑर्डर्स एक्सिक्यूट कर रहा था देन जैसे ही 550 और 500 हंड्रेड वैल्यू मिली तो मैं यहाँ से भी निकल गया था ठीक है अब आप थोड़ा सा कैलकुलेट करके देखो कि यहाँ पे भी एक कितने बड़े लॉस से बच गया जस्ट बिकॉज आई हैड सम इंश्योरेंस विथ मी ओके तो एक चीज़ तो आपको माइंड में रखनी कि दैट यू शुड हैव इंश्योरेंस विथ यू ओके एज एन ऑप्शन राइटर ना अब थोड़ा सा जो दूसरा मूव है जिसमें मेजर लॉस हुआ है उसको थोड़ा सा समझते हैं ठीक है ठेके? अब यहाँ पर सेम सिनेरियो है कि

पोजिशन शॉर्ट थी एक थी जो ऐट द मनी कॉल था और एट द मनी स्ट्रैडल था और उसके अगेंस्ट पे एक आउट ऑफ द मनी जो पुट था वो बाय था लेट मी शो ओके नो लुक एट ओके माइनस एटी फोर थाउजेंड ट्वेंटी फोर थाउजेंड नाइन हंड्रेड का कॉल मार्केट ट्वेंटी फोर नाइन हंड्रेड पर आ चुका था ठीक है अब ये कॉल्स की वैल्यू को थोड़ा सा आप देखो ये कहाँ तक गई हैं इसके अगेंस्ट में कोई प्रीमियम था ही नहीं मेरे पास तो मैं क्या करता लुक एट दिस ब्रूटल इट्स नॉट इट्स नॉट ब्रूटल मैं तो ब्रूटल बहुत कम बोल रहा हूँ इट इज़ जस्ट आई के नॉट यूज दैट वर्ड दैट फ़किंग वर्ड बट सी लुक एट दिस कितने रुपए का ऑप्शन है अठारह पंद्रह रुपए के आसपास का ऑप्शन है और पंद्रह रुपए का ऑप्शन कितना रुपए गया एक सौ अस्सी एक सौ नब्बे रुपये ये चीज दिस वॉज जस्ट मैनिपुलेशन ओके ये भी मैनिपुलेशन था जो इसके पहले हुआ वो भी मैनिपुलेशन था इन लोगों को क्या करना है कि इनको जस्ट स्टॉप्स हंट कराने हैं पहले क्या होता है ध्यान से समझना अब यहाँ पे जितने भी लोगों के स्टॉप्स हैं वो पहले हंट होते हैं ठीक है देन उसके बाद एल्गोस जो होते हैं उनमें मेजर बाइंग होती है जस्ट बिकॉज मोमेंटम एल्गोस जो हैं पोजिशन ट्रिक करने लगते हैं तो मोमेंटम एल्गोज पोजिशन ट्रिक करने लगते हैं तो पहले तो पैनिक यहाँ बनता है फिर मोमेंटम जो एल्गोस होते हैं वो सडनली जो सब वो मोमेंटम एल्गोस की बनने लगती है फिर उसके बाद मोमेंटम और बड़ी होती है फिर जिन लोगों ने पहले से बाय कर रखा है जब वो खाली करना चालू करते हैं अपनी पोजिशन्स तो मार्केट नीचे आता है फिर जब नीचे आता है तो भाई ये जो लोग हैं ये जो एल्गोस ने पोजिशन क्रिएट किए इनके असल्स पहले हंड होते हैं फिर मार्केट कूल ऑफ कर देता है स्पाइक को बट एक चीज अगर ये मार्केट मोमेंटम कंटिन्यू कर देता तो क्या है ना तो वही वाली बात है कि अगर मार्केट मोमेंटम कंटिन्यू कर देता तो बर्बाद हो जाते तो दैट द रीज़न आई एग्जिटेड नियर अराउंड वन हंड्रेड टेन एंड द लॉस आई बुकड इन द पोजिशन वॉज अराउंड एट्टी के ठीक है अब इसके हेजस में मेरे को क्या बेनिफिट हुआ था ये तो मैंने देखा भी नहीं था बट एक रुपये का हेज़ था hmm, कहाँ गया कॉल साइड वाइट ये पोजिशन थी शायद ये पोजिशन थी या फिर एक ओ टी एम था फार ओ टी एम शायद ये नहीं थी एक ओ टी एम था वेट हाँ दिस वॉज द पोजिशन फार ओ टी एम बोर्ड था एंड नथिंग जस्ट क्लोज्ड एट नाइंटी रुपीज लॉस सो द सेकेंड लर्निंग इज ऑलवेज जस्ट आई एम राइटिंग इट वेट सो द सेकेंड लर्निंग इज when market has greater premiums near 2:30 pm don't short Straddle Strangles, okay. Instead, play only one, instead, play in only one side, one direction with a

बाइंग के लिए डिस्कस कर लेते हैं द मेजर एरिया ओके थोड़ा सा बाइंग के लिए डिस्कस कर लेते हैं कि यहाँ पे आपके लिए अपॉर्चुनिटीज़ कैसे बननी है ठीक so, है सो जो ऑप्शंस बायर हैं वो यहाँ पे दो तीन चीज़ जो मैं यहाँ पे मार्क कर रहा हूँ उनको थोड़ा नोट करेंगे ठीक है पहली चीज़ कि मार्केट का टाइमिंग देखना जरूरी है ठीक है दो टाइमिंग्स मैं आपको इंपॉर्टेंट बता रहा हूँ ये आगे वाले एक डी एलेवन सेशन में भी मैं डिस्कस करने वाला हूँ ठीक है तो दो जो मेजर लर्निंग्स हैं उन चीज़ को दिमाग में रखो आप ठीक है पहली है कि 9:30 दूसरी है दो ठीक है ये दो मेजर टाइमिंग्स है जो आपको आपके माइंड में रखनी है ठीक है एज एन ऑप्शन बायर अगर यहाँ पे मार्केट की स्ट्राडल वैल्यू बहुत ज़्यादा है ठीक है जनरली जो स्ट्राडल वैल्यू होती है उसके कंपेरिजन में अगर वैल्यू बहुत ज़्यादा है मान के चलो जो मॉर्निंग का स्ट्राइडल नौ तीस पे जनरली आजकल के दिनों में जो निफ्टी का स्ट्राइडल होता है उसके जो प्राइसेस हैं वो एक सौ होते हैं ठीक है एक सौ भी बहुत ज़्यादा बोल दिया मैंने एक से एक सौ होते हैं अगर वही स्ट्राइडल आपको दिख रहा है कि यही स्ट्राइडल दो सौ रुपये ट्रेड कर रहा है देन आपको पता होना चाहिए कि दैट मार्केट विल बी मेकिंग अ वाइडर डिसन वाइडर मूवमेंट एंड उस हिसाब से आपको अकॉर्डिंगली आपकी पोजिशन्स बनानी चाहिए कैसे जैसे आपको याद होगा कि सेंसेक्स के एक्सपायरी में कितने रुपए पे ट्रेड कर रहा था दोपहर एक बजे स्ट्रैडल कितने बजे पे ट्रेड कितने रुपए पे ट्रेड कर रहा था चार सौ रुपये पे यहाँ पर मैंने क्या डिसीजन क्रिएट किया था कि विथ स्ट्रेडल रुपीज़ फोर हंड्रेड रुपीज़ जहाँ पर श्रेडल चार सौ रुपये का चल रहा है वहाँ पर ओ चालीस चालीस पचास पचास रुपए के ओ में रिस्क लेने में कोई खर्च नहीं है तो यहाँ पे क्या किया था अपन ने कि एक चालीस रुपए का ओ टी एम बाई किया था और मेरे हिसाब से दूसरा तीस रुपये का ओ टी एम बाई किया था ठीक है ये बाई क्यों किया था बिकॉज मार्केट वॉज इंडिकेटिंग कि कहीं ना कहीं पे चार सौ पॉइंट की रेंज बनने वाली ठीक है देन उसके बाद क्या हुआ जब ये बाई किया था अपन ने तो ये सत्तर रुपये कितने रुपए चले गए थे सत्तर रुपये से नौ सौ रुपये गया था ठीक है तो मैं यहाँ पर बताना ये चाह रहा हूँ कि मॉर्निंग में अगर स्टाइडल की वैल्यू है तो आपको हेजिंग करनी चाहिए ओ में आउट ऑफ द मनी में हेज करना चाहिए बिकॉज मार्केट विल भी एडजस्टिंग ओके जहां पर मार्केट दिखा रहा है कि दो पॉइंट की मोमेंटम आ सकती है ठीक है तो 200 पॉइंट की मोमेंटम के हिसाब से आप हेज बाय करो ओ टी एम हैजेस को बाई करो ठीक है जब आप ओ टी एम को बाय करोगे एंड मार्केट विल मेक अ मोमेंटम आप टारगेट सिंपल सा रखो ना मान के चलो आपने एक हेज बाय किया बीस रुपए का हेज है ठीक है फार ओ मैंने आपने बाय करके रखा है नौ बज के तीस मिनट में इसका सिंपल सा एक स्टॉप लॉस रखो दस ठीक है अगेंस्ट पर टारगेट करो हंड्रेड टू टू हंड्रेड परसेंट आर ओ ठीक है जो हंड्रेड टू 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 हंड्रेड परसेंट आर ओ वो मैंने कम ही बोली है जस्ट बिकॉज अगर मोमेंटम बहुत बड़ी आ जाती है जैसे स्पाइक्स आ जाते हैं ना तो स्पाइक में क्या होता है आपको बहुत सारी चीज़ें मिल जाती हैं वॉलीटाइल का वैल्यू मिल जाता है वॉलीटलिटी का वैल्यू मिलता है टाइम का वैल्यू मिल जाता है ठीक है जो पैनिक आता है ना पैनिक में जनरली ये दो चीज़ आपको मिल जाती है तो जिसका वैल्यू पच्चीस रुपये होना चाहिए वो चीज़ आपको पचास रुपये पर भी सेल करने पे मिल जाती है ठीक है तो आपको उस टाइम पे हेज लेने हैं और जो स्टॉप लॉस है वो सिंपल सा आपका क्या होना चाहिए दस रुपये एंट्री कितने पे हो रही है बीस रुपये पे हो रही है और अपन टारगेट क्या कर रहे हैं कि भाई चालीस रुपये एटलीस्ट टारगेट रखें ठीक है दैट मीन्स हंड्रेड परसेंट टू टू हंड्रेड परसेंट आर के आसपास अपन को मिलना चाहिए ठीक है ये पहली टाइमिंग है दो बजे के आसपास स्ट्राइडल का वैल्यू हाई है तो और ज़्यादा सेफ़र हो जाते हैं हेजस ठीक है मान के चलो दो बजे के आसपास निफ्टी का जो स्ट्रैडल वैल्यू है वो एक भी चल रहा है या फिर सौ रुपये भी चल रहा है ना तो यू कैन गो फॉर मेकिंग हेजेस ओके अब आप जब हेजेस क्रिएट करोगे तो वो आउट ऑफ द मनी कितना होगा मेरे हिसाब से मार्केट इंडिकेट कर रहा है सौ पॉइंट की मोमेंटम ठीक है श्रेडल वैल्यू अगर सौ पॉइंट का है सौ रुपये पे है तो मार्केट इज इंडिकेटिंग अ मोमेंटम ऑफ हंड्रेड टू टू हंड्रेड पॉइंट्स देयर आर प्रोबेबिलिटीज़ की मार्केट कैन मेक अ मोमेंटम ऑफ टू हंड्रेड टू टू हंड्रेड पॉइंट्स ओके अब हंड्रेड टू टू हंड्रेड पॉइंट्स की जो मोमेंटम है उसमें आप कैसे प्लान करते हो जैसे मान के चलो निफ्टी चल रहा है तेईस हज़ार पे ठीक है मैंने यहाँ पे तेईस एक सौ पचास एंड बाईस आठ सौ पचास इसका पुट और इसका कॉल मान के चलो मैंने बाई कर लिया ठीक है तो ये ये जो प्रीमियम्स है ना वो दो बजे मेरे को कितने के मिलेंगे पता है पाँच पाँच रुपए के पाँच पाँच भी नहीं चार चार या तीन तीन रुपए के मिलेंगे चार चार रुपए के मिलते हैं ना तो कितनी वैल्यू हो जाएगी आठ रुपये आठ रुपये के अगेंस्ट में मेरा रिस्क क्या है चार रुपये अगेंस्ट में मैं टारगेट क्या कर रहा हूँ टू हंड्रेड टू थ्री हंड्रेड परसेंट आ रोए ये चीज़ मैंने की भी है मैं आपको करके आगे भी दिखाते रहूँगा बट द थिंग इज़ यू शुड बी शार्प यू शुड बी वॉइज ओके आपको शार्प और आपको वॉइज होना ज़रूरी ठीक है आज के जो मार्केट है ना आज का फिन निफ्टी का जो मार्केट है ठीक है फिन निफ्टी के मार्केट में जो पहला मोमेंटम था जो फर्स्ट मोमेंटम था वो प्रिडिक्टेबल नहीं था बट जो सेकेंड मोमेंटम था ओके जिसमें जो हेजेस थे जो मार्केट का स्ट्रैडल वैल्यू था कितने कितने रुपए पे चल रहा था जो ओ, फिन निफ्टी का प्रीमियम था वो दो बज के चालीस रुपए पे जो स्ट्रैडल वैल्यू थी वो कितने रुपए चल रही थी मेरे हिसाब से सिक्सटी फोर रुपये के आसपास चल रही थी ठीक है दैट दैट मीन्स मार्केट वॉज इंडिकेटिंग कि अस्सी पॉइंट की मोमेंटम और बन सकती है ठीक है एंड मार्केट ने वो चीज़ की भी अब क्या हुआ उसके कारण जो प्रीमियम्स था आपको हायर वैल्यू क्यों मिल गया जस्ट बिकॉज ऑफ वॉलेटिलिटी टाइम वैल्यू इन सब के कारण आपको जो दस दस रुपये के प्रीमियम थे वो एक सौ बीस एक सौ तीस तीस रुपये में मिल गए ठीक है बेचने के लिए सो यू हैव टू बी वाइज यू हैव टू बी स्मार्टर ये चीज़ डेली होने वाली नहीं है बट एक चीज़ है कि हफ्ते में अगर दो दिन भी ये चीज़ें हो रही है ना तो एक दिन तो आप ग्रैप करने का ट्राई करो जो मेरी हेजिंग मेथोडोलॉजी है ठीक है जो मेरी हेडिंग में हेजिंग मेथड्स हैं वो शायद मैं हो सकता है डी एलेवेंथ में दे दूँ आपको तो एज एन ऑप्शन बायर लुक फॉर दीज अपॉर्चुनिटीज़ मैंने ये सारी चीज़ें बहुत ब्यूटिफुल राइट ऑन करके रखी है लेट लेट मी प्लान डी इलेवन सेशन दैन देर आई विल भी गिविंग दिस मैटर्स टू यूर ओके दैट्स ऑल फॉर नाउ गाइस एंड जो तीन चीज़ें मैंने बताई है तीसरी चीज़ें भी आप नोट कर लो एज एन ऑप्शन सेलर बी केयरफुल विथ डल मार्केट्स हैव स्ट्रिक्स स्टॉपलॉस फॉर पोजिशन ओके पहली लर्निंग्स थी मस्ट हैव क्लोजर हैज एज एन इंश्योरेंस दूसरी लर्निंग थी कि वन द मार्केट इस मार्केट इज हैविंग ग्रेटर प्रीमियम्स देन डो नॉट गो फॉर शॉर्टिंग द मार्केट ओके जब बड़ अच्छे खासे प्रीमियम है दो बजे के आसपास दैन डोंट गो फॉर शॉर्टिंग स्टार्डल्स एंड श्रैगल बेटर है कि आप उसकी जगह uh, क्या नाम है डरिक्शनल प्ले कर लो ठीक है वन यू विल भी प्लेंग द डिश्शनल ना देन जो स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉसेस हैं तब आपको पता होगा कि एक साइड की मूव में ही मैं बैठा हूँ आप मैं uh, वो बनकर नहीं बैठाऊँ क्या सैंडवच बनकर नहीं बैठाऊँ कि अगर मार्केट इधर घूमेगा तो भी मैं मार खाऊंगा नीचे घूमेगा तो भी मैं मार खाऊँगा यू हैव टू प्ले डनल देर थर्ड लर्निंग बी केयरफुल विद डल मार्केट है पोजिशन एज एन ऑप्शन बायर जो मैंने चीज़ें आपको बताई हैं वी विल भी डूइंग इन द लाइव मार्केट टू लेट मी गेट सम फ्री टाइम ओके एंड जो डिसीशन है फॉर श्योर उसमें मैं ये चीज़ प्रोवाइड कर ही दूंगा आई जस्ट वॉट डिस्ट विट लाइक बर्ल टूगेदर वी हैव टू गो लॉन्ग वे नाइट एंड जो चीज़ें मेरे से हो रही है मैं वो आपके लिए कर रहा हूँ एंड आगे भी करता रहूँगा बी केयरफुल फ्रॉम फेक चैनल्स अभी तक नाइनटी नाइन पॉइंट नाइन परसेंट लोग एक्जिट कर चुके होंगे बी केयरफुल फ्रॉम फेक टेलीग्राम चैनल्स ठीक है We do not run any kind of services. Everything is free in trade, like Berlin. Okay. That's all, guys. And uh, that's it. See you soon. Bye.